बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सदगुरु देव राम महाराज की जय। सदगुरु सर्वानंद महाराज की जय। सदगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सदगुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। न्यशुकमानं गतरागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवंद्यम्। अध्यात्मलीनं विनविरतकामं श्रीदेवं रामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकं सर्वानन्दावितारं च सर्वानन्दं नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय गंगे जय गंगे। अंदर में बहे पीवर
ਪ੍ਰਗਟ ਤੂੰ ਪਰਤੀਤ ਸਾ ਤਹਿਵਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵ ਰਾਮ ਤਨ ਮਨ ਜੀ ਤ੍ਰਸ਼ਾ ਹਰੇ ਮਾਣ ਸਬਰ ਜੋ ਸਾਵ ਮੇਟੇ ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ ਸੁਖੀ ਥੀ ਸਵਰੂਪ ਮੇਰਾ ਜਹੜੋ ਵੇਝੋ ਪ੍ਰਭੁ ਛੋਟੇ ਕੇ ਕੋਈ ਸਜਣ ਪਰੇ ਛੋਟੇ
बनहन अकरम कलिह मन हबल मरीज तिजो नजदीक से नजदीक सबसे पास परमात्मा है उसको बहुत दूर हम ढूंढते हैं। तीर्थों में, मंदिरों में, दुनिया के अन्य स्थानों में, लेकिन हृदय के अंदर वो छुप करके बैठ गया। तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। वेद भगवान कहते हैं कि उसको सृष्ट करके, सृजन करके, बना करके उसके अंदर वो स्वयं घुस गया, समा गया, उसमें उसने प्रवेश कर लिया। तो प्रत्येक कण में वो परब्रह्म परमात्मा व्यापक है। जड़ चेतन जितना भी समस्त ब्रह्मांड है, हर एक कण में उसकी अभिभूति उन संत महापुरुषों ने की कि वो व्यापक है, सर्वत्र है, और सबको चलाने वाला वही और कोई दूसरा चलाने वाला नहीं। सृष्टि को प्रारंभ करके, सृष्टि की रचना करके उसका पालन करने वाला, अंत में संहार करने वाला वो वही है, कोई दूसरा नहीं। तो गुरु महाराज जी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी वाणी, अमर वाणी में सदुपदेश दे रहे हैं कि वो तुमसे दूर नहीं। सब खा वेझो आहे राम, सजन परे छो तैंके गुनी। जो तुम बोल रहे हो ये किसकी शक्ति है? तुम आंखों के द्वारा जो देख रहे हो वो किसकी शक्ति है? नेत्रों की शक्ति नहीं, उसके अंदर बैठा हुआ वो प्रभु परमात्मा है। उसकी चेतन शक्ति, उसी की शक्ति से तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां सब कार्य करती हैं। उसके शक्ति के जाने के बाद कोई भी इंद्रिय या शरीर, मन, बुद्धि कार्य नहीं कर सकती। तो उसी का प्रकाश है, उसी की शक्ति है, उसी को ढूंढना है तो अपने अंतर में ढूंढो। कहे टेऊं दिस अखड़ियों खोले अंदर वेठो केर तो बोले।
नेत्र भी अलग, वो श्रवण भी अलग, सब कुछ अलग है। दिव्य नेत्रों के द्वारा अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान होगा गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव के द्वारा बताए गए मार्ग पर श्रद्धा पूर्वक चलने से, श्रद्धा भी चाहिए, भावना भी चाहिए। केवल शब्द ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं, शब्द सुन के उस पर श्रद्धा रख के उसके अनुसार अपने मन को चलाएं, जो गुरु महाराज जी शिक्षा देते हैं, जो भगवान की अमृतमयी वाणी है कि मैं तुम्हारे अंतर में बैठा हुआ हूँ। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि पार ब्रह्म तो निकट है, वो दूर नहीं, लेकिन तुम अपने अंतःकरण को पवित्र बनाओ। जैसे किसी सेठ साहूकार या सम्मानित व्यक्ति को घर में बुलाना है तो घर की सफाई की जाती है, अच्छे से आसन बिछाया जाता है, तो हृदय के अंदर भरी हुई है मैल, संसार के कुविचार मन में चल रहे हैं और कहते हैं कि मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे। तो दर्शन तब होंगे जब अपने हृदय को पवित्र बनाएंगे। अंतर में वो है ही, लेकिन पवित्र बनाने पर जिस प्रकार से दर्पण की मैल हटाने से अपने रूप का दर्शन होता है, जो पहले से ही था लेकिन मैल मिट्टी चढ़ गई इसलिए उस रूप का ज्ञान नहीं हो रहा था, तो वो पहले से ही ऐसा नहीं कि हम अंतःकरण निर्मल बनाएंगे उसके बाद उसके
प्रवेश होगा वो हमेशा से ही है। योगी हृदय निवास, भोगी हृदय उदास, सब प्राणियों के अंतर में वो है। प्रभु पल नाहे परे, प्रभु पल नाहे परे, मेरे पल नाहे परे, पल नाहे परे, जल में थल में जल
जग में थो अमर सुनागन मिला मरे प्रभु बल राहे परे प्रभु बल राहे परे प्रभु बल राहे परे प्रभु बल राहे परे ओ प्रभु बल राहे परे प्रभु बल राहे परे प्रभु बल राहे जल में कल में जंगी पई जोत परे प्रभु फल लाहे 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 परे तो गुरुदेव के चरण शरण में जाकर उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके अपने मन को ईश्वर के तरफ लगाएं, सत मार्ग में लगाएं, तो सत पद की प्राप्ति होगी। जैसा चिंतन वैसा ही मन का निर्माण होगा। चिंतन के द्वारा ही परम सुख की प्राप्ति होगी और चिंतन के द्वारा ही परम दुख भी प्राप्त होता है। तो अच्छा चिंतन करें, शुभ चिंतन करें, गुरु महाराज जी की आशीष होगी, लोक परलोक हमारा सुहिला होगा। अच्छी चंचरणी शीश झुकाए कहते उंत सदास की पूरन करिए आस दुख सर्व ही दूर हो लगे न जम की त्रास कार्य हो वनरास संशय कोई ना रहे वो सनातन धर्म की सद्गुरुदेव भगवान की जय गंगा मैया की।
धर्म की हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का हो प्रेम का